यहाँ पर कब से बिठा दिए लोग, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं ना, धक 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 हो रहा है, मेरे कसम से मेरे हाथ में ठंडे हो गए। बेचैन है देखने के लिए कि किसका स्वागत हो रहा है, क्या हो रहा है ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस आज के नए व्लॉग के साथ, सो जैसे आप लोग को मालूम है जा रहे हैं किधर घूमने, सो हम लोग निकलने की तैयारी कर ही रहे हैं, सब पैकिंग वैकिंग हो गई है, और जहाँ जा रहे हैं उन लोग के लिए लेके आए हैं हम लोग ने कुछ गिफ्ट। सो वो चीज़ है आइजल के लिए, आइजल पहली बार मतलब जा रही है तो वो लोग उसके लिए लेके जा रहे हैं हम लोग, वो लोग को देने के लिए स्पेशली। सो यहाँ पर अब्बा उसकी पैकिंग कर रहे हैं। सो अब्बा क्या किया उसके अंदर, मिठाई और मिठाई है, खीमा है जो लोग को पसंद है, हाँ, और पुरन पाव है, सब चीज़ लेके क्या बहुत सामान ले लिया, हाँ बहुत सामान ले लिया, क्यों ज़्यादा है। यस बोले मैं ना खाली हाथ आ गए, लेके आए नहीं कुछ इसके लिए। सो गाइस अभी तब तैयारी चालू हुई है, पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, हम लोग की डन, और अभी बच चुके हैं 12:15, जाओ रेडी हो, हमें मिले निकलने का एक घंटा ही अपने पास, कभी कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, सब तैयारी हो गया, मेरे को नहीं पता जाते हैं कपड़े पहनते हैं, और मिलता हो चुके हैं हम लोग रेडी, मैं आ चुकी हूँ व्हाइट ड्रेस में, और आइजल ये रही हमारी प्यारी सी बेबी, गाइस यहाँ पर आइजल का आउटफिट है, मम्मा तैयार हो गए जाने के लिए, घूमू घूमू जा ले अपन। सो गाइस यहाँ पर ये लोग सब बैग वैग लेके जा, मैंने पहले पूछा क्या ले जाओ, बाले बाबा मेरे को भरोसा है तुम्हारे, तुमने बोले हाँ सबने बड़ा ले जाओ, अभी बुला चलो कि ना क्या लूं मैं, मेरे क्या लेके जाना तो अच्छा है, जा आ जा, पानी पी जा रहा बाबा, तुम लोग एक डेढ़ बजने आ गए, समझ में आया बहुत कूल है ये इतना सारा, चलो गाँव अपन उधर, चलो ओके ठीक है, चलो 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 चलो, कैसा उठा के लेके आ रहे हो, तुम उधर का यार, तुम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे मेरी हाँ। और अभी इससे छोटा बैठ चुके हैं हम लोग टैक्सी में, और अल्हम्दुलिल्लाह से टैक्सी मिल भी गई है, अब जा रहे हैं डायरेक्ट स्टेशन पर, तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का प्लान एकदम अलग ही था, देखते हैं जा, तुम लोग को आइडिया था कि नहीं था वो सब चीजों का, वो कमेंट करके बता दो, आप लोग बता ही दी होगी ना नेक्स्ट व्लॉग में, सही बात है, नहीं हम लोग अरे ये फैशन के जा रहे थे, अपन बैग लेके आ रहे थे पीछे पीछे, ताकि खाली आज जगह बैग उठा लिया मैंने, आए तो नहीं दानी से पास सामान उठाया, मम्मी समझ चल रहे तो बोले क्या तुम फैशन करने आए हो, वो तुम लोग सामान ये दोनों दुश्मन ने स्क्रीनिंग कर रहे हैं, क्या पता दोनों दुश्मन एक दूसरे के, दोनों को सेम सेम पहने, मेरा कपड़ा देखा ना इसी पहन लिया, इधर मेरे बाल छोड़, पापा कल तुम्हारे बी को बोलते तुम्हारा, मैं मन करता तुमको टुकड़े टुकड़े कर दूं, बोले एक बार गई बोले आंटी को तो तेरी गर्दन ना तोड़ दूं कहीं, ये लोग की मस्ती चलते रहते है गाइस, सीरियस नहीं लिया करो, आप लोग कमेंट करते हो कि इज्जत नहीं करते इज्जत नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, लोग एकदम एक हम उम्र जैसा रहता है, इज्जत पे इज्जत भी करते, मस्ती पे मस्ती भी करते, गुस्से पे गुस्सा भी करते, हम लोगों ने पहले बोला हमारे ब्लॉग पे, अच्छा हम लोग सब एक है, बहुत मस्ती करते हैं, सब लोग मस्ती से रहती है हमारी, कोई सीरियस नहीं रहता, सही बात है। अरे तुम्हारा टेंट रही है तुम्हें लगा के, मेरे को लगाना था, बाकी कभी कभी ऐसा होता है ब्लॉग बनेगा ना मस्ती सीरियस भी हो जाती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, झूठे आई जू पापा काजल मम्मा काजल हमारे सामान, बेचारा सामान भी उठा रहा है, आइजल को भी उठा रहा है, लाओ मैं ले लूँ आइजल को, लो आइजल को ले लूँ, लाओ हाँ उसके बोल लो दे दो, सब बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर, तुम आइजल भी सो चुकी है, नौशीन थक गई बेचारी, पूरा आइजल को रास्ता आइजल को उठाई, हाँ तो मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन मंगा के बोरीली में उतार दूंगा, आ जाएगा हाँ तो क्या आ जाते पीआर नंबर से मालूम पड़ जाता है, और गाइस हमारी सीट देखो आप लोग बता दो, नौशीन की सीट इधर है, अंकल की सीट इधर है, आंटी की सीट इधर है, और मेरी सीट इधर है, तो गाइस अभी जो भी आएगा उससे बोले कि एडजस्ट करने हो जाएगी तो अच्छा है ना, क्या बोल रहे
है ना, अच्छा है ना, हो जाएगी। अंकल है ना, अंकल अंकल बात करेगा, उसे पैर वैर पकड़ लेंगे। अरे बैठे क्या, चलो पानी की बोतल लेने आने का। चलो चलो गाइस, अभी नीचे आता हूँ, कुछ सामान लेके आता हूँ, फिर मिलता है आप लोग का आगे। उतर चुके ट्रेन के नीचे पे और अंकल अभी लेते हैं पानी की बोतल, ठंडा वंडा ले लेते हैं। हाँ अंकल, सब लेंगे तो टेंशन मत ले, जाएंगे खाते हुए, आएंगे भी खाते हुए। हाँ हम भी खाते हैं अंकल, वैसे खाने की पड़ी है, बस खाना मिलना चाहिए। जल्दी जल्दी बोलो, पानी की बोतल, पानी की बोतल जो जो लेना जल्दी ले लो, और अपने को वेफर ले लो। तो गाइस आप लोग को मिलता भी आगे। दानिश को पता था मुझे क्या पसंद है, तो ये वाला दूध लेके आया, बट ये केसर है, मुझे पिस्ता पसंद है, मेरे को पिस्ता पसंद है। अच्छा इधर लाओ, सही बात। तुमको मालूम तो बेटी की एक्स्ट्रा सीट लेनी चाहिए थी, बैठती है वो, बैठी लेट भी गई, पहले बैठी थी। तो गाइस जैसे हम लोगों ने बोला था एडजस्ट कर लेंगे, तो एडजस्ट कर लिए है, तो हम लोग तीनों यहाँ पर आ गए, लो दोनों खड़े रह गए। तुम हमारी एक माँ है, अच्छा चार घंटा मजा तो उस दिन आई थी, वो मार गए थे जो के मार मार गए। तो सुबह 6 बजे देखते थे रात को, सुबह नहीं, सुबह 3 बजे नहीं, रात के 3 बजे हम लोग सब सो सो के गए थे, स्लीपर में गए थे, याद आया? सही बात है। आज यहाँ लेटी पड़ी, आई जू तुम बैठे थे ना कब से, ये क्या है, मैं टॉर्च लाइट को देख के हंसती है यार। दादी को फोन कर ले बाबा, अब्बा तुम बैठे हो, दिखा ले हम लोग आए जल। ट्रेन चालू हो गई और दानिश और अब्बा नहीं है, दोनों में काम गए दोनों, जान दे आएंगे। मैं को लग रहा है बाहर खड़े होंगे, पकड़े। खाना ऑर्डर कर दिए थे, अभी बोरी वाली स्टेशन पे आ रहा है, तो अभी दाने जा रहे हैं लेने के लिए। जाओ आगे जाओ, जल्दी जाओ जाओ, चलो अभी चढ़ी नीचे नहीं करना। खाना आ चुका है हमारा, गिरा भी दिए क्या, गुलाब जामुन सब ज्यादा लोग चढ़े इधर। तो गाइस यहाँ पर आ चुकी है हमारी थाली, माशाल्लाह। एक्स्ट्रा रोटी नहीं लिए, मैंने खाना तो मंगा लिया, बड़ी है दो सालन जो है, इतना सा लग रहा है पानी दे दिया, देखो ना कैसा तैर रहा है वो। रोटी भिगाओ तो जरा, वेस्ट नहीं करना, लेकिन थोड़ी सी लो, देखो गाइस कैसा पानी है, देखो मत। तो गाइस खाना पीना हो चुका है डन, खाना तो नहीं के बराबर ही था, तो भी खा ली, क्या कह सकते, वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं उसको। सो भी यहाँ पर आई, सो गई है, मम्मी भी सो गए, दानिश अपना एयरपोर्ट लगा के मूवी देख रहा हूँ, मैं यहाँ ओपन चल कर दी क्या, आप तो जाने को भी क्यों उठ गए, सो जाओ। खाना देखो ना यार, साफ था कुछ त्यारा, पतला पानी था, तरकारी भी हो तो रोटी में खा सकते हैं, भुना नहीं था लगता, उसने जल्दी जल्दी में दे दिया। सो गाइस मैंने एयरपोर्ट लगाया, यहाँ पर आई एयरपोर्ट हो गए। सो गाइस अभी आइजल की सोने की तैयारी, आइजल को नींद आ चुकी है, बाकी आइजल सो रही नहीं है क्योंकि उसको सो गाइस आइजल सो गई थी, अभी सुबह नीचे रखे ना, तो बाबा उठ रही है, सामने धूप आ रही है इसके लिए, और उसको ठंडी लग रही है ना नौसिंग, बेचारी नौसिंग कब से बच्चे को समा रही है। देखो इधर इधर तुम ढक्के से रखे ले, चलो सेफली पहुंच गए हम लोग। आइजल आपका स्वागत है गुजरात सिटी में। हाँ क्या हुआ, यहाँ पे जाने का था,
देखा है, हम लोग नहीं कर सकते, बोले आगे का कार्रवाई तुम लोग करो, देखना मेरा फर्ज था तुम्हें यहाँ से लाना, घर पे छोड़ूंगा, ठीक है मैं अपना सो जाऊंगा, ठीक है देखो आइडल देगी तुम्हारे को डकालीस ने। स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं और स्टेशन के बाहर हम लोग निकल चुके हैं, अरे जो भी है उसके बाहर हम लोग निकल चुके हैं और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, कार आने वाली हम लोग को लेने, तो कार का इंतजार कर रहे हैं, शायद नहीं भी आवे, भरोसा नहीं ना, तो भरोसा है आएगी यहाँ पर ओला उबर कर लेंगे नहीं चलता तो अपन चलाएंगे ना, क्या चलते जाओ तू कुछ बोल, तो काफ़ी लंबा था वहाँ से चल के आना, तो इसमें हालत ख़राब हो गई, खूब दर्द हो रहा है, दो बार बेचारे दो बैग पकड़ लिया था दानिश ने, बेचारे दो बैग मेरे हाथ से भी ले लिया, बोले अंकल लाओ, क्योंकि वो उतरान थी ना, ये लोग की नोक जोक चलती रहती है, जैसे सात दामाद नहीं है ये लोग दोस्त दोस्त है जैसे, और हम लोग एक जैसे ही रहते हैं, हमेशा मिल के रहते हैं, कुछ भी करे कुछ भी करो बुरा नहीं मानता, फोन आ गया, अब फोन आ गया, कार आ रही, बोले तुम लोग कार करना मत, एसी वाली कर, एसी वाली भेज रही है, ठंडा के माशाल्लाह, अरे यार देखो दानिश परेशान है मच्छरों से, बम्बई में मेरे से परेशान था और यहाँ के मच्छरों से परेशान है, देखो जाएंगे मेरे को अच्छा लग रहा है, देख ए नोश मेरे को यहाँ ही अच्छा लग रहा है, चलो कार हमारी आ चुकी है और उसमें हम जा रहे बैठने, और माशाल्लाह अच्छी कार मिली है ना नोश, कौन सी कार है ये, i20 है, i10 या तो i20, अभी मालूम नहीं ना खाली अपने बैठने से मतलब, ओहो मच्छर तो हमारे ऊपर बहुत है, देखो मच्छर दिख रहा है आप लोग को, ये कपड़ साड़ी के मच्छर है, स्वागत के लिए हम लोग के लिए आए है ना, तो आएगी ना उसमें क्या, उधर से ये जो महारानी आ रहे, देखो बाकी दानिश बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन इतना गुस्से में क्यों ला रहा है, ये देखो कपड़ साड़ी तक मच्छर वाले स्वागत के लिए, स्वागत करने के लिए है ना, दिखा ना, तो चलो अभी कार में सामान सब जा रहा है, चल तू बैठ गया जब तक है तुम लोग, कार में बैठ चुके हम लोग और निकल चुके हैं कपड़ साड़ी गांव के लिए, और सब देखो कैसे बेचारे बैठे हैं, देखो और सब बेचारी कोने में दब गई है, सब किधर है, तेरी मुंडी तो निकाल तेरी मुंडी दिख रही है तो थोड़ा हाँ, और ये देखो कितनी ट्रैफिक इधर की, मुंबई से छुट्टी आए वहाँ ट्रैफिक से बचे हैं, यहाँ के फंसे है ना। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गांव के अंदर, अभी रिएक्शन देखते हैं लोग का क्या रहेगा, आइजल को देख के से मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रही है, वही सोच रहा मैं लोग क्या करने वाले हैं आइजल के साथ, तो लोग गोदी में कैसे लेंगे उसको, प्यार करेंगे क्या करेंगे, हमें तुमको क्या लगता है, बहुत प्यार करेंगे पागल हो जाएंगे, हाँ अब तुमको मेरे को नहीं लोग बच्चे को प्यार करेंगे, अरे मालूम है बच्चे को करेंगे यार, आइजल उठ गई, ठीक है कहा जा रहे, लेकिन कमी है आ रहे है, तुम लोग बैठ लो ना, कुछ तो सोच रहा, अरे कुछ नहीं वो पैसे लेने जा रहे, पैसे चल मैं आता हूँ, चलो चल ना भाई चलो, अब तुमको अकेला छोड़ रहे, बाप रे भाभी क्या करेंगे ये लोग, कुछ दूसरी प्लानिंग तो नहीं है लगी, क्या पता। तो हम लोग ने नौशीन और दानिश को वहाँ उतार दिए, रुका दिए, मैंने कहा तुम लोग रुको हम लोग आते हैं, तो सायका ने मेरे को फ़ोन करके पहले ही बोल दी थी कि ऐसा ऐसा है, तुम वहाँ सरप्राइज देने का है, तो सायका ने कुछ सरप्राइज रखी है, अब उससे जाके पूछते क्या सरप्राइज है क्या नहीं है, तो हम लोग ने उन लोग को वहाँ उतार दिया, हम लोग पैदल आ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर कब से बिठा दिए लोग, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं ना, मम्मा उठ गई, आइजल भी उठ गई, वेट कर लेना सबका, आइजल बहुत एक्साइटेड है, आई विल विल, मेरे को क्या पता क्यों धक 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 हो रहा है, मेरे को समझ में मेरे हाथ में ठंडे हो गए, दिख रहे नहीं बाकी लोग, देखना वहाँ पर है गाइस घर, यहाँ कोई नहीं दिख रहा, एकदम सन्नाटा है, क्या होने वाला है, क्या मतलब, देखते हैं आगे। यहाँ पर सब गांव वाले खड़े हो गए, पता नहीं जो बाहर निकल रहे हो क्या हो रहा है, एकदम चिल्लम चिल्ली हो रही है, अरे और कितना ज़ूम कर रहे हो, उधर है उधर है, व्हाट इज हैपनिंग, मेरे को दिख भी नहीं रहा है, मेरा कादर खन बन गया,
तो अभी फोन कर रहे हैं लोग को जाने का, नौशीन को, अभी लोग आने वाले और इधर बेचैन है देखने के लिए कि किसका स्वागत हो रहा है। चालू हो गई हमारी गाड़ी, क्या हो रहा है इधर, बस इधर ही रुक जाओ भाई, इधर ही रुक जाओ, ये क्या हो रहा है?